हेलो गाइस, दिस इज़ अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन। किसका आयतन? क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का और कोन का, यानी कि घन, घनाभ और फिर बेलन और शंकु का। तो ये चार जो हैं, ये चार कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ने हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में है। तो बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो लास्ट पेपर है मैथ्स एंड नेचुरल साइंस, उसका जो सेकेंड यूनिट है उसमें मैंने एरिया आप लोगों को पढ़ा दिया था, उसका एरिया एंड वॉल्यूम करके था। तो वॉल्यूम आज हम पढ़ाएंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और पहले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करने से पहले हम देख लेंगे वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है और इनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर पहले एक बार हम एक नज़र देख लेते हैं। तो गाइस, किसी भी वस्तु के द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप को उस वस्तु का आयतन कहते हैं यानी वॉल्यूम कहते हैं। कोई भी वस्तु है, जैसे कि अगर हम दैनिक जीवन से रिलेटेड कोई भी चीज़ उठाकर देखते हैं, जैसे कि बॉटल है, तो बॉटल में कितना पानी है, जितना यानी कुल स्थान की माप को, बॉटल में कितना पानी है वही उतना उसका स्थान घेर रहा है। या बॉटल को अगर हम टेबल पर रख रहे हैं तो टेबल पर बॉटल कितना स्थान ले रहा है वही उसका आयतन है। तो जिस प्रकार लंबाई की इकाई सेंटीमीटर या मीटर, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर होती है, उसी प्रकार आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर या घन मीटर होता है। फिर एक ऐसा घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो उस घन द्वारा घेरे गए कुल स्थान की माप 1 घन सेंटीमीटर आयतन होती है। तो गाइस, जैसे कि क्षेत्रफल की अगर इकाई की बात की जाए तो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर होती है। तो उसी तरीके से अगर आयतन के यूनिट या मात्रक का बात की जाए तो घन सेंटीमीटर या घन मीटर होता है। तो एक घन सेंटीमीटर आयतन ऐसे घन का आयतन होता है जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। 1 घन मीटर आयतन का अर्थ मतलब क्या होगा? 1 घन मीटर, घन का मतलब 3 बार गुना, और मीटर का 1 मीटर गुना में 1 मीटर गुना में 1 मीटर। और मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से गुणा किया जाता है। जैसे कि मीटर को अगर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो गुणा करेंगे, और अगर यही सेंटीमीटर होता उसको मीटर में चेंज करते तो हम भाग देते। तो गाइस, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है यानी 100 से गुणा करेंगे, तो मीटर के स्थान पे जो है हम लोग 100 सेंटीमीटर लिखेंगे। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे 3 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 0 2 0 2 0 यानी 6 0 हो जाएगा। तो 10^6 घन सेंटीमीटर, यानी कि जैसे कि ये मीटर है, फिर ये मीटर है, ये मीटर, जैसे कि अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना था तो लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों का अगर मात्रक मीटर मीटर था तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी मीटर स्क्वायर हो जाता था, और इसका 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर यानी मीटर का क्यूब या सेंटीमीटर का क्यूब। तो इस तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 1 घन मीटर बराबर कितना घन सेंटीमीटर। फिर गाइस, देखते हैं घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूब का मीनिंग होता है घन और क्यूबॉइड मतलब होता है घनाभ। और क्यूब का अगर हम दैनिक जीवन में एग्जांपल देखें तो जो हम लूडो खेलते हैं तो लूडो की जो गोटी होती है जिससे हम खेलते हैं, 6 आता है 3 आता है 5 आता है, 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ लिखी रहती हैं, तो वो क्या है? वो है घन, वो घन का यानी क्यूब का एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें जो आइस क्यूब होता है वो भी क्यूब का एग्जाम्पल है, और जो पजल बॉक्स होता है जो हम लोग घुमा घुमा कर उसको सही करते हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल है। और गाइस, घनाभ का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है ईंट यानी ईटा जिससे घर बनता है। तो गाइस, आप लोगों को इसका जो एग्जाम्पल है वो भी समझ में आ गया होगा। अब इसके हम आयतन की बात करते हैं यानी घनाभ के क्या आयतन है या वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो माना कि घनाभ की लंबाई एल, चौड़ाई बी, ऊंचाई एच, लंबाई लेंथ, चौड़ाई ब्रेथ, ऊंचाई हाइट, तब घनाभ का आयतन होगा। घनाभ का आयतन होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जिसको हम इसके प्रतीक रूप में या सिंबल रूप में देखें तो एल बी एच, घन इकाई, क्योंकि इस आयतन का मात्रक घन इकाई होता है। इकाई का मतलब जो भी, जैसे सेंटीमीटर में दिया है सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर। फिर उसके बाद गाइस, घन का आयतन है, घन एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। अतः घनाभ के आयतन के सूत्र में एल बी तथा एच के स्थान पर घन की कोर यानी ए को रखने का
आयतन ज्ञात कर सकते हैं, ए को रखने रख कर आयतन ज्ञात कर सकते हैं। घन का आयतन जैसे कि यहाँ एल बी एच था, तो यहाँ अगर हम घन में घन की बात किया जाए तो इसकी लंबाई चौड़ाई जब ऊंचाई सब सेम है तो एक संख्या मान सकते हैं ना, यानी बी के स्थान पर भी ए, एल के स्थान पर भी ए, एच के स्थान पर ए, तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। कितना हो जाएगा? ए क्यूब। फिर गाइस इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो लंबाई बराबर दिया गया है, चौड़ाई बराबर दिया गया है, ऊंचाई बराबर दिया गया है। तो आगे देखते हैं, तो गाइस घनाभ का जो आयतन है एल बी एच होता ही है, एल के स्थान पे एल की वैल्यू, बी के स्थान पे बी की वैल्यू, एच के स्थान पे एच की वैल्यू लिखेंगे। फिर उसका मात्रक जो होता है आयतन का घन सेंटीमीटर होता है तो इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से घनाभ का आयतन आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। फिर देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, एक घन की प्रत्येक कोर 8 मीटर है, घन यानी क्यूब, इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन का आयतन ज्ञात करना, हम जानते हैं कि घन के आयतन बराबर होता है ए का क्यूब यानी साइड का क्यूब या कोर का क्यूब, और ए का मान दिया गया 8, तो 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 512 घन सेंटीमीटर। फिर गाइस नेक्स्ट है, यहाँ घन सेंटीमीटर के स्थान पर केवल घन मीटर आएगा, क्या आएगा? घन मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया गया है और इसका मात्रक होता है घन इकाई, तो घन इकाई के स्थान पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट, लकड़ी की घनाभ दो आकार के एक टुकड़े की लंबाई 48 सेंटीमीटर, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर तक, ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। इसमें 16 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? तो गाइस अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले बड़ा गुटका जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया गया है उसका आयतन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद छोटे का निकाल देंगे, फिर बड़े वाले में छोटे का भाग दे देंगे यानी डिवीजन कर देंगे तो वैल्यू आ जाए, मतलब मान आ जाएगा कि कितने गुटकों की संख्या होगी। गाइस देखते हैं, तो लकड़ी के बड़े गुटके की लंबाई दिया गया है 48 सेंटीमीटर, और फिर उसी के बड़े गुटके की जो बड़ा गुटका है उसकी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। तो लकड़ी के बड़े गुटके का आयतन निकाल लेंगे यानी एल बी एच, एल के स्थान पे एल की वैल्यू, बी के स्थान पे बी की वैल्यू, एच के स्थान पे एच की वैल्यू। इसी प्रकार छोटे गुटके का आयतन निकाल लेंगे जो कि इतना आया है। अब लकड़ी के बड़े गुटके हैं उससे कितने छोटे बनाए जा सकते हैं, तो वही उससे बनने वाले छोटे गुटकों की संख्या हो जाएगी लकड़ी के बड़े गुटकों का आयतन बटे छोटे गुटकों का आयतन, यानी जो बड़ा गुटका है उसमें जितना जो भी समाहित करना है उससे भाग दे देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी गुटकों की संख्या की। क्योंकि गाइस गुटकों की संख्या की कोई मात्रक नहीं होता है तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ आयतन और यहाँ आयतन दोनों आयतन आयतन है, तो अगर ऊपर घन सेंटीमीटर है तो नीचे भी तो घन सेंटीमीटर होगा, घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और वैसे भी संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी तथा 1.5 गाइज 1.5 है ना कि 1-5, 1.5 है, आप यहाँ देख सकते हैं। ऊंची घनाभ के आयतन के टंकी में कितने लीटर पानी आएगा? तो टंकी की लंबाई यानी लेंथ 3 दी गई है, ब्रेथ 2 दी गई है, और हाइट जो है 1.5 दी गई है। तो टंकी का आयतन हम जानते हैं कि एल बी एच होता है, यहाँ से मान निकाल लेंगे तो 9 घन मीटर आएगा, क्योंकि मीटर में मान दिया गया है और घन आयतन में लगाया जाता है। फिर टंकी की क्षमता होगी, टंकी की क्षमता कितनी होगी? तो गाइस टंकी की क्षमता यहाँ जो यही मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको 9 घन मीटर आया है, फिर उसी को चेंज कर देंगे लीटर में, यानी कि टंकी की क्षमता 9 पहले से ही आया है, अब घन मीटर बराबर हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर कितना होता है, एक घन मीटर इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। गाइस ये आपको याद करना होगा कि 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो टंकी की क्षमता पूछी गई है तो 9 घन मीटर बराबर कितना होगा, जैसे 1 का होता तो 1000 है और 9 का है तो 9 × 1000, तो ये लीटर में इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी जो इसकी क्षमता या कैपेसिटी है वो लीटर में आ गई है। तो गाइज ये आंसर इसका है। फिर गाइज इससे रिलेटेड जो MCQ टाइप क्वेश्चंस है उसको भी देख लेते हैं किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गाइज पहला है,
कि एक घन मीटर है 10 लीटर, 100 लीटर, 10,000 लीटर या 1,000 लीटर। तो गाइज हमने यहाँ सॉल्व किया कि एक घन मीटर बराबर होता है 1,000 लीटर, तो एक घन मीटर यहाँ पूछा गया है 1,000 लीटर के बराबर होगा। गाइज आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान रखना होगा। फिर एक घन मीटर यानी इतना ही अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तब कितना होगा, तो गाइज 1,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ अगर 10^3 है 1,000, तो यहाँ 10^6 हो जाएगी। यहाँ आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 10^6 घन सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है घनाफ का आयतन है, तो गाइज घनाफ का आयतन होता है LBH, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है घन का आयतन, तो गाइज घन का आयतन होता है 1^3 यानी 1³ घन इकाई। फिर गाइज नेक्स्ट है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा, तो गाइज घन का आयतन होता है 1³, और ए का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो एक ए का मान होता है, ए का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन यानी 1³ किया करना चाहिए, तो ए के स्थान पे लिख दिया जाएगा 10^3, जिसका मान है 1,000 घन सेंटीमीटर। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 घन सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ आयतन पूछा गया है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं लंबवृत्तीय बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेलन का आयतन होता है πr²h। गाइस एक जैसे कि बेलन हो गया, शंकु हो गया, दो ही हम लोगों को पढ़ना है, और बाकी अगर और भी आ सकता है तो आप और पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतना दिया गया है तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। तो बेलन का एक वक्र पृष्ठ होगा, एक संपूर्ण पृष्ठ होगा और एक आयतन होगा, यानी एक से संबंधित 3 सूत्र हमें याद करने हैं, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2πr h। इसमें से आपको h का मान दिया रहेगा, r का मान दिया रहेगा, वक्र पृष्ठ पूछ लिया जाएगा। तो आप अगर फार्मूला याद रहेगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr h होता है, और इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 2πr ब्रेकेट में h+r होता है, यानी 2πr तक सेम रहेगा, फिर उसके बाद ब्रेकेट में h+r रहेगा संपूर्ण पृष्ठ। तो गाइज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और यहाँ बेलन का आयतन दिया ही गया है कि πr²h होता है। अब गाइज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि 20 मीटर गहरी और 7 मीटर व्यास की बेलनाकार पानी की टंकी है। गहरी यानी कि गहरी मतलब क्या हो जाएगी, ऊंचाई, जैसे आप कुआं देखते हैं ना बेल, तो उस जो गहरी मतलब कितनी गहरी है, मतलब उसकी ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई को डिनोट करते हैं h से, तो h=20, और यहाँ व्यास यानी डायमीटर दिया गया है। तो हम जानते हैं कि r=2 होता है डायमीटर यानी व्यास अपान 2, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, तो त्रिज्या व्यास की आधी होगी, तो त्रिज्या = व्यास/2, तो यहाँ निकाल लिया जाएगा मान, तो 7/2 आएगा। और फिर यहाँ पूछा है टंकी, बताइए उसमें कितने मिलीलीटर पानी आ सकता है, तो जो जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन होता है, तो इसका मतलब आयतन पूछा गया है, तो टंकी का आयतन हो जाएगा πr²h। पाई के स्थान पे उसकी वैल्यू रखेंगे 22/7, आर के स्थान पे उसकी वैल्यू, और फिर उसके बाद एच की वैल्यू रख देंगे, तो ये इतना आ जाएगा, क्योंकि मात्रा के यहाँ मीटर में दिया गया है, तो जो वॉल्यूम आएगा वो 770 घन मीटर आएगा। हो सकता है आपके जो ऑप्शंस हो घन मीटर में ना देकर के वो किलोमीटर में दिया गया हो। तो हम जानते हैं कि एक घन मीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर। एक घन मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोलीटर। तो फिर एक घन मीटर बराबर इतना किलोलीटर है, तो 770 घन मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 770 किलोलीटर। कितना हो जाएगा, 770 किलोलीटर, यानी एक घन मीटर बराबर हो जाता होता है 1 किलोलीटर, तो इतना यानी 770 घन मीटर = 770 किलोलीटर। फिर गाइज नेक्स्ट है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। क्या है गाइज, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो इसमें देख लेते हैं, तो इसमें भी ऐसे जो आयतन है वो दिया गया है 1/3πr²h। क्या दिया गया है, 1/3πr²h। इसमें भी शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा और आयतन होगा, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है πr², जहाँ पर r जो है वो त्रिज्या है, और l जो है वो त्रियक ऊंचाई है। क्या है, त्रियक ऊंचाई है।
और फिर उसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो पाई आर ब्रेकेट में एल प्लस आर। आप लोगों को याद करने में सुविधा हो इसके लिए हम थोड़ा सा ट्रिक आप लोगों को बता देते हैं। जैसे बेलन का रहता है तो उसका क्या होता है, टू पाई आर एच होता है, क्या होता है, टू पाई आर एच वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ जब लिखते हैं तो टू पाई आर ब्रेकेट में एच प्लस आर लिखते हैं, यानी यही पूरा चीज़ इतना रहता है, उसके बाद यहाँ ब्रेकेट लग के प्लस आर कर दिया जाता है। सेम उसी तरीके से हम यहाँ भी देख सकते हैं कि शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल होता है, और जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो पाई आर ब्रेकेट में एल प्लस आर होता है, यानी दोनों में एड एक जुड़ा हुआ है। तो गाइज इस तरीके से आप थोड़ा याद कर सकते हैं। फिर गाइज देखते हैं इसको, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है इतना, ऊंचाई दी गई है इतना, तो शंकु का आयतन पूछा है। शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर के स्थान पे उसकी वैल्यू रख देंगे, एच के स्थान पे रख देंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, जो मान आएगा वही उसका आयतन हो जाएगा। तो गाइस इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा यहाँ 154 घन सेंटीमीटर। फिर गाइस इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं। फर्स्ट है त्रिज्या यानी आर रेडियस ऊंचाई हाइट तथा तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो गाइस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम अभी बताए हैं आप लोगों को शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर। फिर गाइज नेक्स्ट है आयतन की इकाई होगी, तो गाइज आयतन की इकाई घन इकाई होती है, यानी घन, फिर उसके बाद जो भी लिखा रहेगा सेंटीमीटर या मीटर में तो उसी को लिख देंगे। फिर गाइज नेक्स्ट है कि समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले लंब वृत्ति शंकु तथा बेलन के आयतनों का अनुपात होगा, यानी गाइज आप लोगों को यहाँ लिखना है जैसे कि समान ऊंचाई यानी h इज इक्वल टू r दिया गया है, तो लंबवृत्ति शंकु तथा बेलन के आयतनों का अनुपात पूछा गया है, तो यहाँ पर हम लगा लेंगे फार्मूला, यानी शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3, 1/3 कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h अपान हो जाएगा बेलन के आयतन, बेलन का आयतन होता है कितना पाई r स्क्वायर h, तो ये पूरा इससे कट जाएगा और पाई आर स्क्वायर पूरा एच यहाँ है, पाई आर स्क्वायर एच पूरा यहाँ है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1:3 यानी 1/3। फिर गाइस नेक्स्ट है यहाँ पर कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन इतना घन सेंटीमीटर है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन दिया गया है 168 घन सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या पूछी जा रही है, तो आपको यहाँ शंकु का आयतन दिया गया है कितना 168 पाई घन सेंटीमीटर। तो गाइस शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू दी गई है 168 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, फिर उसके बाद आर स्क्वायर और एच का मान कितना दिया गया है 1/3 आर स्क्वायर, 1/3 आर स्क्वायर, फिर उसके बाद एच का मान दिया गया है 14 इज इक्वल टू 168। तो इसको हम काटेंगे अगर 14 से यहाँ, तो हो जाएगा 14 × 1 = 14, 14 × 2 = 28 यानी 12 आएगा, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 1/3 आर स्क्वायर और यहाँ बचा है 12, तो यह हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 12 × 24 = 36 यानी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और फिर इसका सेंटीमीटर में दिया गया है तो 6 सेंटीमीटर, तो आपका पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। फिर गाइस नेक्स्ट है कि एक लंबवृत्ति शंकु की ऊंचाई उसके आधार की व्यास की 2 गुनी है, यानी जो शंकु की ऊंचाई है वो व्यास की 2 गुनी है, व्यास मान लीजिए डी है तो एच जो है इसकी 2 गुनी है यानी 2D हो जाएगी। यदि शंकु का आयतन इतना दिया है तो ऊंचाई पूछा गया है, तो शंकु का आयतन हम जानते हैं कि 1/3, शंकु का आयतन क्या होता है गाइस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 36 पाई ये दिया गया है, और ऊंचाई कितना है एच इज इक्वल टू 2D यानी व्यास की 2 गुनी। तो गाइज यहाँ हम मान रख लेंगे पहले पाई से, तो पाई कैंसिल कर देंगे, फिर उसके बाद यच के स्थान पे 2D यानी लिख देंगे 1/3
और फिर आर आर स्क्वायर यहाँ लिख देंगे और एच की वैल्यू जो होती है वो तो 2D दी गई है। तो डी का मतलब होता है डायमीटर यानी व्यास, ये त्रिज्या का दोगुना होता है, यानी कि इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई डी का मान 2R, यानी त्रिज्या का दोगुना होता है तो 2R हो जाएगा, यानी 2 × 2 = 4R, क्या हो जाएगा 4R। फिर यहाँ हम वही लिख देंगे एच इज इक्वल टू हो जाएगा 4R इज इक्वल टू 36, कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से हम R का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो R क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 36, और ये डिवाइड में है तो ये गुणा में हो जाएगा और ये गुणा में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से काट देंगे 4 × 9 = 36 आ जाएगा, यानी R क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 × 3 = 27। तो यहाँ से अगर हम R का मान निकालेंगे तो घनमूल में 27 आएगा, घनमूल 27 का मान क्या होता है 3 होता है, मतलब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। तो ये R का मान आ गया, वो भी सेंटीमीटर में, R इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर। अब पूछा है तो उसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई कितना दिया गया था 2D, डी के स्थान पे अगर हम 2R लिखते हैं तो ये हो जाएगा 4R, और फिर उसके बाद R की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, R की वैल्यू आई थी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 × 3 = 12, 4 × 3 करेंगे 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर, ये आपकी हाइट आ जाएगी, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है, आशा है आप लोगों को आज की जो वीडियो है बेहद पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और समझ में आई हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई करें और एग्ज़ाम में अच्छा अटेम्प्ट कर सकें, बढ़िया नंबर पाएँ और उनकी ज्ञान की वृद्धि हो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।